देखिए Bharat@9 काविंद्र चौहान के साथ। गरीब आदमी हूँ भाई, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। गुड इवनिंग व्यूअर्स एंड वेलकम टू Bharat@9। दर्शकों, आज रात शब्दों का ताना बाना कुछ नहीं बुनना, सीधी सटीक साफ बात। लखनऊ के 14,60,000 पुरुषों की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि लखनऊ में फेमिनिज्म का ओवरडोज लेकर एक युवती घूम रही है जो किसी भी पुरुष को कहीं भी पीट सकती है, बाद में पुलिस में कोई भी मुकदमा दर्ज करा सकती है। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर आने को है, लेकिन उससे पहले हम सबको एक और वेव से लड़ना है, एंड आई एम सीरियस। दर्शकों, ये वेव बहुत खतरनाक है और भारत में ये बहुत तेजी से फैल रही है। ये वेव है फेक फेमिनिज्म की, इसका इलाज जरूरी है। दोस्तों, लखनऊ का ये वीडियो जो बाजू वाली खिड़की में चल रहा है, सबके फोन तक पहुंच चुका है और अब पूरा देश कह रहा है कि अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए ऐसी सिक मेंटेलिटी को, अरेस्ट करिए ऐसे गुंडों को, अरेस्ट करिए ऐसी मवालियों को, अरेस्ट करिए लखनऊ की इस बेलगाम युवती को। दर्शकों, आज इस बात को सिर्फ एक खबर बनाकर साइड में नहीं रखना है। ये सोच बहुत दिनों से इस देश में धीरे धीरे पैर पसार रही है और इसके चलते देश की आधी आबादी परेशान है। सरबजीत के केस में हमने देखा था कि किस तरह से एक लड़की ने एक लड़के पर झूठा आरोप लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, दिल्ली कोर्ट में रेप के आधे से ज्यादा मामले झूठे पाए गए थे। दर्शकों, ये सब ड्रामा, द होल ड्रामा इज ऑफ फेमिनिज्म। दर्शकों, इक्वेलिटी के नाम पर ये ड्रामा बहुत दिन से चला रहा है। दोस्तों, इक्वेलिटी इज इक्वेलिटी, फेमिनिज्म का ड्रामा करते ये लोग इक्वेलिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हेट फैलाते हैं। दर्शकों, फेमिनिज्म का जिक्र वुमेन राइट्स के लिए किया गया था, लेकिन अब यह ऑपरेशन ओलंपिक्स बन गया है। फेमिनिज्म की डेफिनेशन अब यह बन चुकी है कि एक ऐसा अधिकार है जो महिलाओं को यह माइंडसेट देता है कि वो पुरुषों को कंट्रोल कर सकती है, उनके ऊपर किसी भी वक्त कोई भी आरोप लगाकर उनको जेल भिजवा सकती है, उनको कहीं भी बीच सड़क चौराहे पर पीट सकती है। और दर्शकों, यह माइंडसेट जनता के बीच भी खर कर गया है। एंड दिस इज स्केरी। लखनऊ के बीच चौराहे पर एक युवती सरेआम एक कैब ड्राइवर को, गरीब कैब ड्राइवर को पीटती है और जनता, पुलिस सब ये देखते हैं। देवर जस्ट लिमिटेड टू मूक दर्शक। अगर मैं जेंडर रिवर्स कर दूं तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि नजारा ऐसा ही होता? बिल्कुल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, रियलिटी को महसूस करने का टाइम है और ज्यादा देर तक अंधे नहीं रह सकते। वी कांट बी ब्लेम ऑल द टाइम टू सरकार, टू पुलिस, बट वी हैव टू बिगिन विद अ चेंज। तो दर्शकों, क्या मैं अगर जेंडर रिवर्स कर दूं तो ये नजारा सेम रहता? नहीं, और बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। क्या पुरुष होने के नाते आपको गुस्सा नहीं आता जब घर की युवतियों से लोग कहते हैं कि रात में बाहर मत जाना? सबसे पहले तो उस जगह आपको खड़े होकर गुस्सा नहीं आता कि जब लोग कहते हैं कि रात में बाहर मत जाना, आप कहीं भी अकेले मत जाना, आप संभल के चलना। आपको गुस्सा नहीं हो आता पुरुष होने के नाते कि ये कैसी मानसिकता बन रही है? और ऐसे में क्यों मैन प्रोटेस्ट नहीं करते कि आप ऐसी बात क्यों बोलती है? लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैन इसको सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों लड़कियों को ही हमेशा ऐसे लोगों से लड़ना होता है, लड़के क्यों नहीं लड़ते? दिस इज द प्रॉब्लम। फेक फेमिनिज्म की वजह से जेन्युइन लड़कियों को परेशान होना पड़ता है, और ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से, कुछ लड़कों की विकृत सोच की वजह से पूरे पुरुष समाज को परेशान होना पड़ता है। फिलहाल के लिए पहले तो उस वीडियो को देखिए जिसमें लखनऊ में बीच चौराहे पर कैसे गुंडा फीमेल, जी हां सही कहा मैंने, एक गुंडा फीमेल एक कैब ड्राइवर को पीट रहा है। देखिए, लखनऊ में कृष्णनगर के अवध चौराहे पर एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवती ने उबर कैब ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई और उसका फोन भी तोड़ दिया।
लगभग आधे घंटे तक बीच चौराहे पर युवती का ड्रामा चलता रहा और युवती और ड्राइवर को थप्पड़ मारती रही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट लखनऊ गर्ल ट्रेंड करने लगा। मेघ अपडेट नाम के एक हैंडल ने सबसे पहले वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, वायरल वीडियो अवध क्रॉसिंग लखनऊ यूपी में एक लड़की लगातार कार ड्राइवर को पीट रही है और उसका फोन भी तोड़ दिया। कैब ड्राइवर को बचाने के लिए आए एक व्यक्ति ने जब लड़की को ड्राइवर पीटने से रोका तो उसने उसको भी पीटा। यह पूछे जाने पर कि वह कैब ड्राइवर को क्यों पीट रही, लड़की कहती है कि उसकी कार ने उसे टक्कर मारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे युवती कैब ड्राइवर को इधर से उधर घसीटते हुए थप्पड़ मार रही है। बीच चौराहे पर तमाशा हो रहा है, कुछ लोग युवक को बचाने का प्रयास करते हैं तो युवती उन्हें भी चिल्लाती है। हैरान करने वाली बात यह रही कि इस दौरान वहां मौजूद एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी मामले को सुलझाने की बजाय दोनों को साइड करते दिखा। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिसकर्मियों के सामने ड्राइवर को पीटने पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल अवध चौराहे के पास इस युवती से कार टच हो गई थी, जिसके चलते उसने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। बीच चौराहे पर युवती ने कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। कैब ड्राइवर का नाम सादत अली बताया जा रहा है। पुलिस के सामने मारपीट करने के साथ युवती ने कैब ड्राइवर का फोन भी तोड़ दिया। इस मामले में डीसीपी सेंट्रल ख्याति गर्ग का कहना है कि अब तक कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन सवाल उठता है कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर पैट्रियार्की मेल शोविनिज्म जैसी बातें होती हैं लेकिन कभी भी मेंस राइट की बातें नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, उछल कूद कर मार रही इस लड़की का नाम है प्रियदर्शनी यादव। फेसबुक पर आराम से मिल जाएगी, आज पॉपुलर इन फेसबुक दिखा रहा है। ये युवती फेमिनिज्म के ओवरडोज में है, फिलहाल लखनऊ में छुटा घूम रही है, खतरा बहुत है। पुरुषों से मेरा आग्रह है कि वो खुद को घर में बंद कर लें, खुद को क्वारंटाइन कर लें। बाकी ये युवती इस बहरहमी से इस युवक को मार क्यों रही थी, तो सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ कैद हो गया। इस वीडियो को भी आपको जरूर देखना चाहिए। देखें
तो दर्शकों, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो है जिसको भी देखना चाहिए। उस वीडियो के बारे में बता दूं कि ये वीडियो पहली वीडियो का ही एक पार्ट है, जिसमें दर्शकों एक युवक जब हिम्मत करके बीच बचाव करने गया तो इस गुंडा युवती ने उसको भी पीटा। फेमिनिज्म के ओवरडोज में इस लड़की ने उसको भी पीटा। दर्शकों, इसको पीटने के बाद इस युवती ने पुलिस में ऐसा बताया कि इसको टक्कर मारी गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से साफ होता है कि टक्कर नहीं लगी थी, गलती युवती की थी। वो ग्रीन लाइट पर जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रही थी, उस बीच कैब ड्राइवर की सूझबूझ से वो बची, लेकिन उसकी सजा क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल है। आप इस वीडियो को देखिए। तो दर्शकों, ऐसे में एक सवाल उठकर सामने आता है कि फेक फेमिनिज्म के नाम पर कब तक पुरुषों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद होती रहेगी और कब तक हम शांति से यूं ही बैठे रहेंगे। अगर फेमिनिज्म की बात होती है, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो बात वो होती है जैसा कि हमारे लिए मीराबाई ने किया, हमारे देश को मेडल दिया और हमारे देश का नाम टोक्यो में परचम पर लहरा दिया। बात वहां पर होती है जैसे कि पीवी सिंधु ने हमारा नाम, हमारे देश के 135 करोड़ जनता का नाम टोक्यो में सबसे ऊपर लाकर रख दिया। दैट इज वीमेन एम्पावरमेंट। अप डाउन उछल कूद करके पुरुषों को मारना इज नॉट वीमेन एम्पावरमेंट। दिस इज हुलिगन, दिस इज गुंडाइज्म, this is nothing but a crap mind roaming around the roads of Lucknow freely, and that's shameful for Lucknow police. nothing before and nothing after, that's totally shameful for Lucknow police, that this lady is roaming around on the roads of Lucknow. ek baat aur clear kar dun ki feminism ka jhanda lekar अपनी आवाज को उठाने वाली महिलाएं उतनी ही यूजलेस हैं जितना कि वीडियो में दिख रहा वो पुलिसमैन जो वहां पर खड़ा था और खड़ा ही रह गया। उसने कुछ नहीं किया, बचाने की कोशिश नहीं की, बीच बचाव नहीं किया। वो उतना ही यूजलेस है जितना झंडा लेकर विमेन की बात करने वाली ये फेक फेमिनिस्ट। दर्शकों, दे आर फेक and they need to be exposed. दर्शकों, ये तमाम तरह के तर्क देती हैं और ये वही तर्क होते हैं जहां पर ये दिखाती हैं कि ये कितनी परेशान है। ये कभी भी ये नहीं दिखाएंगी आपको कि उसी जगह पर जस्ट अगर उसको राइट का लेफ्ट कर दें तो इनको कितने सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। वो लोग आपको ये तो बताएंगी कि उनको किस तरीके से कम पे किया जाता है बॉयज के मुकाबले, जेंट्स के मुकाबले, मेल्स के मुकाबले। कभी ये नहीं बताती कि ऐसे प्रोफेशन भी हैं जहां पर इनको मेल के मुकाबले, मेंस के मुकाबले, बॉयज के मुकाबले ज्यादा पे किया जाता है। आई हैव एन एग्जाम्पल। दर्शकों, आपने कभी भी कोई ऐसा एचआर देखा है जहां पर आपने सुना हो कि एक एचआर ह्यूमन रिसोर्स वाला एक पदस्थ है और उसको एक अपनी समकक्ष महिला एचआर से ज्यादा पैसे मिलते हो? नहीं। क्या आपने कभी भी एयरलाइंस के केबिन क्रू में इस बात को सुना है कि एक एयर होस्टेस से ज्यादा पैसे वहां पर काम करने वाले एक मेल केबिन क्रू के मेंबर को मिलते हो? नहीं सुना। तो दोस्तों, अगर यह हाथ है तो हाथ यह भी है और दोनों जगह की दोनों तरह की बातें हैं। लेकिन फेक फेमिनिस्ट सिर्फ हेट फैलाने का काम करती हैं
और हमारे देश में। दर्शकों, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। बाकी फेक फेमिनिस्ट क्या होता है आप इस पैकेज के जरिए समझिए। फेमिनिज्म, ये ऐसा शब्द जो ना सिर्फ आज की तारीख में कई लोगों के लिए सिर का दर्द बन चुका है, बल्कि अधिकतर लोगों को तो इसका असली मतलब भी नहीं पता। और मजेदार बात ये है कि इसमें उनका कोई दोष भी नहीं। आखिर इस फेमिनिज्म शब्द का राज पहले मुर्गी आया या फिर अंडे की ही तरह है, जिसमें लोग ये समझ ही नहीं पाते कि विरोध किस बात का करना है और किसका नहीं। और फिर इस शब्द का लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब इसके असली मतलब क्या है ये खुद ही किसी रॉकेट साइंस की तरह का कठिन सवाल बन गया है। चलिए तो हम सारे झंझट को खत्म कर देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर फेमिनिज्म वास्तव में है क्या। आप तो जानते ही हैं कि ये स्त्री और पुरुष के बीच के प्राकृतिक अंतर को दरकिनार करते हुए समान अधिकारों की बात करता है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि चाहे जो भी हो जाए, पुरुष और महिला बराबर है। हालांकि ये उतना भी आसान नहीं है। कभी कभी जब महिलाएं बराबरी की बात करती हैं, तो ये भूल जाती हैं कि हर चीज हमारी ही सुविधा के अनुसार नहीं होगी। हमारी सुविधा अनुसार नियम और शर्तों को लागू नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए फेमिनिज्म शब्द का उपयोग करने से क्या साबित होता है। स्यूडो फेमिनिस्ट यानी आप फेमिनिस्ट होने का दिखावा करते हैं। हम यहाँ फेमिनाजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या बातें आपको दिखावटी फेमिनिस्ट बताती हैं, आइए जानते हैं। तो फेमिनिज्म का नाम पर फेक होना बंद होना होगा। फेमिनिज्म का दिखावा करने वाले कभी फेमिनिज्म वाले काम नहीं करते। बहुत मुमकिन है कि आपने शहर में हुए हर विरोध में हिस्सा लिया हो, गले फाड़ फाड़ कर नारे लगाए हो, लेकिन क्या इतने से आप एक फेमिनिस्ट हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं और सिर्फ अपने दोस्तों के सामने कूल दिखने के लिए फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं, तो खुद ब खुद आप एक दिखावटी फेमिनिस्ट बन जाते हैं। आपको समान अधिकार चाहिए, है ना? तो फिर क्यों ना इस लड़ाई को हकीकत में लड़ा जाए। सिर्फ कहने भर के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ना असली लड़ाई नहीं होगी। गंदगी साफ करने के लिए आपको कीचड़ में उतरना होगा और उसे साफ करना होगा। अपने आसपास के सेक्सिज्म से आंखें मूंद लेना। अगर आप अपने परिवार में, यहाँ तक कि खुद में गहरे तक पैठ जमाए सेक्सिज्म की अनदेखी करते हैं, तो बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप दिखावटी फेमिनिस्ट हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सेक्सिज्म आखिर है क्या। जब आपका बॉयफ्रेंड या आपके दोस्त आपको कहते हैं कि लड़कियों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती, तो क्या आप उनका विरोध करते हैं? या फिर क्या आप ऐसी बातों को हंसी में उड़ा देती हैं या चुपचाप उनकी बात से सहमत हो जाती है? क्या आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम दिखती है? हम समझ सकते हैं कि ऐसी बात सिर्फ एक मजाक है, जिसे मजाक के रूप में ही लिया जाना चाहिए। लेकिन हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि सेक्सिज्म कभी भी मजाकिया नहीं होता। जब आप ऐसी चीजों पर हंसते हैं, तो दरअसल आप समाज की उस गहरी सोच में अपना योगदान करते हैं जिससे ये त्रस्त है। चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन, दोस्त या फिर खुद आप, सेक्सिज्म सेक्सिज्म ही होता है। आपको याद तो होगा ही जब इवांका ट्रंप ने महिलाओं के मुद्दे पर अपने पिता डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था, तब बहुत गुस्सा आया होगा ना। इसलिए इवांका ट्रंप मत बनिए। सिर्फ फेमिनिज्म के नाम पर किसी भी बात पर उंगली ना उठाएं। मान लीजिए कि आपकी गर्ल गैंग ना सिर्फ इसलिए आपका मजाक बनाया क्योंकि आप सेक्सी कपड़े नहीं पहनती, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल भी सेक्सिस्ट बयान नहीं है। लेकिन अगर आपने उस बात को दिल पर ले लिया और जवाब में कहा लेकिन दोस्त की फेमिनिज्म नहीं है, तो आपने अपना मजाक खुद ही बना लिया। आपको पता है कि ये सिर्फ एक फैशन के लिए सलाह थी। हो सकता है कि ये सलाह कुछ कठोर लहजे में दी गई हो, लेकिन इसका मकसद आपको नीचा दिखाना कतई नहीं था। चलिए हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। क्या आपने कभी किसी को किसी महिला का मजाक बनाने या उस पर भद्दे कमेंट करने के लिए झाड़ लगाई है, लेकिन शर्टलेस आदमियों के लिए खुद वही कमेंट आपने पास किए हो? अगर हाँ, तो यही होता है फेमिनिज्म का दिखावा करना। अगर आपको लगता है कि महिलाओं के शरीर को लेकर भद्दे कमेंट करना गलत है, तो उसी तरह पुरुषों के शरीर पर भी कमेंट करना गलत है। दूसरे की पसंद आपकी पसंद से ना मिले तो दिक्कत। एक मजबूत स्वतंत्र महिला होने का मतलब हम समझते हैं, जो अपनी रोटी खुद कमाती है और इस पर गर्व करती है। लेकिन अगर कोई महिला गृहिणी होना चुनती है, तो उसे एक कमतर महिला नहीं माना जा सकता। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब आप दूसरों के पसंद
नापसंद के बिना पर उनके बारे में अपनी राय बनाते लगे। ये पूरी तरह से उनका फैसला है कि आपने लिए वो गृहिणी बनना पसंद करती है फिर या फिर एक कामकाजी महिला हो। सिर्फ इसलिए कि उसकी पसंद आपके पसंद से मेल नहीं खाती, वो गलत साबित नहीं हो जाती। आपको पता होगा कि हर किसी को अपना करियर बनाने लायक पढ़ाई नसीब हो जरूरी नहीं। कुछ लोग जितना चाहें उतनी पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन नौकरी करना नहीं चाहते, ये भी उनकी ही पसंद है। हाँ, अगर कोई उन्हें उनकी नौकरी छोड़ने के लिए विवश करता है तब दिक्कत है। पुरुषों के भी रेप होते हैं ये बात मानने से इनकार करना, ये भी दिखावटी फेमिनिज्म है। जी हाँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचता है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि पुरुषों के भी बलात्कार होते हैं। भले ही कानून की नजरों में ये सच्चाई ना हो लेकिन पीड़ित के लिए ये कड़वी सच्चाई है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यौन अपराध किसी जेंडर के द्वारा परिभाषित नहीं होते हैं। इसी तरह अगर कोई पुरुष रोता है या फिर अपनी भावनाओं को दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। आखिरकार हमारे यहाँ महिलाओं की तरह पुरुषों पर भी एक डिफाइंड तरीके से रहने और व्यवहार करने का दबाव होता है। इसलिए अगर कोई पुरुष संवेदनशील नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। वो भी हर इंसान की ही तरह आम इंसान है और उसे भी अपने ढंग से व्यवहार करने का पूरा अधिकार है। तो इसलिए अब आगे से आप पर पागल मत बनिए और फर्जी फेमिनिज्म के झंडे मत बुलंद कीजिए। इस शब्द को समझें, इसके बारे में थोड़ा पढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे किसी हथियार की तरह प्रयोग ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। बाकी दर्शकों, आज की रात बहुत सी बात है लेकिन बात करने के लिए समय कम है। तो ऐसे में एक बात के साथ आपको छोड़कर जाता हूं। बात सिंपल, प्लेन, साफ कि क्यों, आखिर क्यों सड़कों पर हम देखते हैं कि किस तरीके से यह रवैया आम हो चुका है। और यह रवैया इतना आम हो चुका है कि जिसकी कोई बात नहीं। हम क्यों ऐसे माइंडसेट में पलने लगे हैं कि जहां पर हम देखते हैं कि अगर एक स्त्री को कोई पुरुष अगर गलत ढंग से उसके साथ कुछ करना चाहता है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो हम एज अ सोसाइटी एक्टिव हो जाते हैं एंड दैट्स टू गुड। लेकिन अगर एक पुरुष के साथ ऐसा ही कोई महिला कर रही है तो हम लोग एज अ सोसाइटी स्टैचू हो जाते हैं एंड दैट्स टू बैड। ऐसा क्यों है? व्हाई इज देयर सो डिफरेंस? दोस्तों, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इक्वल फॉर ऑल। और एक बात क्लियर कर दूं, संविधान, कानून, सरकार, गवर्नमेंट, एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री गिव इक्वल राइट्स टू मैन एंड वुमेन। सबके राइट्स बराबर हैं। तो ये इक्वालिटी की बात कहां से आई? ये कहीं से नहीं आई, ये कुछ लोगों का घर का दाल और रोटी चलाने के लिए आई। एंड इट्स टू फनी हाउ फेमिनिस्ट ऑलवेज चेरी पिक ऑल द डिसएडवांटेजेस दे हैव इन सोसाइटी व्हाइल डेलिबरेटली इग्नोरिंग ऑल द एडवांटेजेस दे हैव जस्ट फॉर बीइंग वुमेन एंड देन यूजिंग दैट माइंडसेट टू क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेक्सिस्ट इश्यूज दैट ओनली गो इन देयर फेवर। दैट्स टू फनी। सो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। सी यू टुमारो। थैंक यू।